अब जब संजय दत्त की बड़ी बायोपिक फिल्म दत्त आ रही है, इन सब के बीच सुपरस्टार संजय दत्त की बुआ के बेटे और एक्टर निमाई बाली चर्चा का विषय बन गए हैं। जहां पहले ही प्रत्युषा बनर्जी के बॉयफ्रेंड रहे राहुल राज निमाई बाली की पत्नी और एक्ट्रेस साहिला चड्ढा के साथ उनके आराम नगर स्थित घर में रह रहे हैं। इसी बीच निमाई बाली पर उनकी पत्नी साहिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साहिला का कहना है कि निमाई ने अपनी बेटी को जान से मारने की कोशिश की है। अपनी पत्नी द्वारा निमाई पर लगाए गए इतने वाहियात आरोपों के बाद निमाई बाली बेहद दुखी हैं। हाल ही में निमाई ने एक लीडिंग वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में इन खबरों पर बात करते हुए रो पड़े। उन्होंने अपनी आपबीती बताते हुए इन खबरों को सरासर झूठ बताया है। निमाई ने कहा कि लोग उनके धैर्य की परीक्षा कब तक लेते रहेंगे। निमाई को घर छोड़े हुए 10 महीने का समय हो गया। निमाई ने रोते हुए कहा कि अब मैं रोड पर आ चुका हूँ, मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रही है। रही बात बेटी को जान से मारने की, तो बता दूं अनुसुईया जान है मेरी और दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं ये सब होने के बाद भी जिंदा हूँ तो सिर्फ उसकी वजह से। निमाई ने कहा कि उन्होंने साहिला से कई बार राहुल राज का सपोर्ट नहीं करने की बात कही, लेकिन वो नहीं मानी। इन्हीं बातों को लेकर साहिला निमाई पर मारपीट करने और उनकी खुद की बेटी अनुसुईया को मारने का इल्जाम लगा रही है। इसी घरेलू हिंसा से परेशान होकर निमाई ने अपना घर छोड़ दिया और गोरेगांव में शिफ्ट हो गए। निमाई ने कहा कि वो अनुसुईया और साहिला के बिना नहीं रह सकती, लेकिन साहिला उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। आपको बता दें कि उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्में करने के साथ साथ छोटे पर्दे पर कई सीरियल किए हैं, जिनमें ज्यादा उन्होंने धार्मिक सीरियल में उनके जीवंत रोल के लिए जाना जाता है। निमाई ने हाल ही में सूर्यपुत्र कर्ण में गुरु द्रोण, बालकृष्ण में कंस का किरदार निभाया था, जिसके बाद उनकी खूब तारीफ भी हुई थी।